दोस्तों स्वागत करते हैं फिर से एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। साथियों आज की वीडियो में आपके लिए परमानेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी लेके आ गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी इंडिया के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे शानदार खुशखबरी आप लोगों के लिए, बहुत सारे पद आपको देखने मिलेंगे। 4000 प्लस पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि भारी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी निकाल गई हैं। दोस्तों सबसे बढ़िया बात है ये परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, सैलरी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा फॉर्म भरने का वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या क्या कंडीशंस मांगी गई हैं वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कोई भी कैंडिडेट नया चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो जल्दी से जल्दी आपको बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ये शानदार वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। प्यारे फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैकेंसी को इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया गया है और कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे कुल जो वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पे वैकेंसी 4000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी यहाँ पे हो जाती हैं। 4070 वैकेंसी यहाँ पे टोटल हैं दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। अगर इसकी टर्म एंड कंडीशंस के बारे में जानें दोस्तों, यहाँ पे सारे क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे आपको, क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सारी जानकारी आपको जो है इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 14/5/2022 से जो एंड हो रहे हैं 7/6/2022 तक हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/5 से 12/6/2022 तक आप जो है ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो। दोस्तों पोस्टों की बात मैंने आपको पहले बता दी है, 4070 वैकेंसी हैं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है, 30 डिस्ट्रिक्ट में इनको डिवाइड किया गया है और उनके लिए 13 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हैं। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा उड़ीसा के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, उड़ीसा की वैकेंसी है दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी है और यहाँ पे जो है उड़ीसा के कंडीशंस के बारे में हम आपको बताएंगे। 9 मई को ये जो है लेटर जारी किया गया है। ठीक है, इसके बारे में अगर पूरी जानकारी आपको पता करनी है दोस्तों, इस तरीके से हम आपको बता देंगे। यहाँ पे सैलरी आपको लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलने वाली है जो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है इसकी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देखिए जो क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, एज के बारे में बात करें, प्यारे साथियों अगर बात करें मिनिमम एज की तो 21 साल के कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे, 21 साल से ज़्यादा वाले। मैक्सिमम यहाँ पे 38 वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी टर्म एंड कंडीशंस मिल जाएंगे आपको उड़ीसा के जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आगे बात करनी चाहेंगे इसमें, देखिए जो भी कैंडिडेट हैं इन सभी को जो है उड़ीसा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आरक्षण मिलने वाला है, वो सारी जानकारी आप सबको इसमें एक बार इंस्ट्रक्शन अच्छे से लेने। ठीक है, जो मेन मेन इंस्ट्रक्शन है वो दोस्तों मैं आपको जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ कैसे कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको सबको यहाँ पे पता है, देखिए जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि उड़ीसा वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग वाले जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वाले। ठीक है, एनी अदर इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज एंड इम्प्रूव बाई इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, दे शैल हैव रजिस्टर्ड देयर नेम एंड नर्सिंग काउंसलिंग इन द स्टेट ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच शैल बी अपलोडेड ऑनलाइन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो है कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट उड़ीसा, यहाँ पर दोस्तों जो है भाषा का जरूर बताया गया है कि भाषा आपको उड़ीसा आनी चाहिए। ठीक है, पढ़ लेना चाहिए और समझ में आ जानी चाहिए, इस तरीके से उन्होंने बताया। ये टर्म एंड कंडीशन है थोड़ी सी, इनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बताया हुआ है। अगर आगे बात करें यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इसमें, एक तो बताया कि सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ गुड सेलेक्टर, ये सब आपको पता है इंडिया का हैं सब जो। ठीक है, अप्लाई करेंगे। और आगे अगर बात करें इसमें, देखिए यहाँ पे जो है नो एग्जामिनेशन फीस इज़ पेएबल फॉर द पोस्ट, कोई भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस नहीं है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बात है सभी के लिए। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट मैंने आपको बता दी, 12/6 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है दोस्तों। ठीक है, कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, इसमें सारे जो है रजिस्टर करना है, पहले रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस दे रखी हैं। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं दोस्तों, इसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरीफिकेशन, ये आप देख सकते हो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, प्लेस एंड डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम क्या होने वाला है इसमें, देखिए आप सबको बताया, डेट ऑफ एग्जाम शैल बी एडवर्टाइज इन द लोकल न्यूज़पेपर एंड कमीशन वेबसाइट, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है रिटर्न एग्जाम कहाँ पे है और कैसे होने वाला है, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी जानकारी। कोई भी कैंडिडेट नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
आप सबको यहीं पे सारी जानकारी मिलती रहेगी। और एडमिशन लेटर जो है ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, यहाँ पे आपको सब जानकारी मिल जाएगी। यूज़र आईडी पासवर्ड जिस तरीके से मिलेंगे आपको, ठीक है, वो सब आप ध्यान रखिएगा। और प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में बताया यहाँ पे आपके लिए। टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम कितना मिलने वाला है, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट एज पर सिलेबस, जीएनएम के क्वेश्चन आने वाले हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे जो अर्थमेटिक एचएससी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश के यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से आपके जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो सिलेबस के बारे में पहले ही बता दिया उन्होंने। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे SC ST PW एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट पर्सन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट सैलरी 30% और अदर जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे 35% आपको लेके आनी होगी। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन आप सबको पता है, GNM और BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट जो ये सब्जेक्ट है वो आप सब देख सकते हैं। OML सिस्टम के द्वारा आप एग्जाम किया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देना है, ठीक है। 0.25 के यहाँ पे जो है रॉन्ग क्वेश्चन होगा उस पर जो है नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। उसके बाद में सेलेक्ट लिस्ट जारी की जाएगी, वहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट जो है आप सबका इस वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट नया चैनल को सब्सक्राइब कर पहले कर लें, क्योंकि सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी, आपको ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। कोई भी कैंडिडेट की क्वेरी है वो कमेंट कर सकता है, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके लिए लेके आएंगे कोई भी नई अपडेट के साथ में, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।